नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। माउंट आबू को अर्ध द्वारिका कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारिका जाते समय यहां की तलेटी से होकर गुजरे थे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहां गुजरात से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले दो दिनों में 60,000 से अधिक श्रद्धालु माउंट आबू में पहुँच रहे हैं। और माउंट आबू में स्थित बिहारी जी मंदिर कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं का आना जारी है और मंदिर में भव्य तैयारियां चल रही है। मंदिर के प्रधान पुजारी अशोक शर्मा द्वारा बताया गया है कि कृष्ण भगवान के जन्म की खुशी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भगवान कृष्ण का श्रृंगार भी विशेष रूप से किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने माउंट आबू के बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालुओं से खास बातचीत की, सुनिए वे क्या कुछ बोले। कि किस प्रकार से आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भगवान का अलग ही महत्व है माउंट आबू का, क्योंकि अर्ध काशी के साथ में अर्ध द्वारिका भी कहा जाता है माउंट आबू को। ये बिहारी जी स्वरूप है, राधा कृष्ण का मथुरा के साथ मनाते हैं हम लोग, तो आज जन्माष्टमी मनाई, सारी सजावट की गई है और भजन कीर्तन होंगे, रात को महाआरती होगी, 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, मटकी फोड़ने का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। इस प्रकार से पर्व मनाया जा रहा है माउंट आबू में जन्माष्टमी का, और कहीं ना कहीं कई कार्यक्रम होंगे और कहीं ना कहीं भक्तों का जो है यहाँ पे तांता लग जाता है। जिस प्रकार से दूसरी जगह मनाया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी लोगों में हर्षोल्लास है और बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत जोरों शोरों से इस साल बनाया जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव और कई प्रकार के लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जन्माष्टमी यहाँ का प्रमुख त्योहार में एक गिना जाता है। यहाँ पर ये कृष्ण भगवान का मंदिर पूरे माउंट आबू का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ पर देश विदेश के सभी पर्यटक यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और कल आज जन्माष्टमी होगी, इसमें बड़े सब सजावट की जाती है और शाम को अपने भजन कीर्तन होते हैं, फिर भगवान का 12 बजे जन्म होता है, उसके बाद में आरती होती है, आरती के बाद में सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है, कई कार्यक्रम मटका फोड़ आदि भी किए जाते हैं। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।